बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ, जिसमें संविधान दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के नवोदय विद्यालय बाड़ी रायसेन स्कूल के प्रिंसिपल जितेंद्र मिश्रा ने कहा कि संविधान को बनाने वाले बहुत से लोगों ने विभिन्न देशों का दौरा किया और उन देशों के संविधान को पढ़कर भारत का संविधान तैयार किया गया। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को ये गलत फहमी है कि भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, जबकि सच ये है कि बाबा साहब ने संविधान की एक लाइन भी नहीं लिखी। बहुत लोगों को भ्रांति है, बहुत लोगों को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का एक लाइन भी नहीं लिखा है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की एक लाइन भी नहीं लिखी है। संविधान को लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। वीडियो वायरल होने के बाद और गिरफ्तारी की मांग उठने के बाद अब प्रिंसिपल जितेंद्र मिश्रा ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने माफी मांगते हुए क्या कहा, सुनिए। 20 नवंबर 2022 को विद्यालय में मेरे द्वारा दिए गए भाषण में को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ही संविधान के निर्माता थे और उनका इसके निर्माण में अक्षरशः अतुलनीय योगदान है, और मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, जिससे कि अगर किसी को इससे ठेस पहुंची है तो मैं बिना शर्त इसके लिए माफी मांगता हूं। पिछले कुछ समय से बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान से जुड़े कई झूठ फैलाए जा चुके हैं। दलित टाइम्स इस मुद्दे को पहले भी उठा चुका है। इससे जुड़ा एक वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, आप दलित टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं।